हेलो एवरीवन, होम ब्यूटी गुरु चैनल पे आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चोको पाई। मार्केट में जो लोटी चोको पाई मिलते हैं, सेम वैसे ही आज हम घर में बनाएंगे, वो भी बिना कुक किए। एक चोको पाई मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे बने हैं, यम्मी और टेस्टी और एकदम सॉफ्ट चोको पाई। होममेड चोको पाई बनाने के लिए मैंने लिए हैं मैरीगोल्ड बिस्किट, और मैंने लिया है मिल्क, ये मिल्क गरम है, और मैंने लिया है कॉफ़ी पाउडर, और ये मैंने ली है मलाई, और ये मैंने लिया है मिल्क पाउडर। अब हम चोको पाई बनाना शुरू करते हैं। इस कॉफ़ी को हम गरम दूध में मिक्स करेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है। इसे मिक्स करने के बाद अब हम एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे मलाई और मिल्क पाउडर। ये मैंने 2 टेबलस्पून मलाई ली है, इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके एक थिक पेस्ट हम बनाएंगे। वैसे तो यहाँ कंडेंस मिल्क का यूज़ किया जाता है, लेकिन मलाई सबके घर में मिल जाती है, इसलिए मैंने मलाई का ऑप्शन दिया है। इस तरह से इसे मिक्स करते हुए एक गाढ़ा पेस्ट हम बना लेंगे। अब हम एक बिस्किट लेंगे और इसे कॉफ़ी में डिप करेंगे। कॉफ़ी में डिप करने के बाद इस पर इस पेस्ट को हम स्प्रेड करेंगे। जिस तरह से हम ब्रेड पर बटर को स्प्रेड करते हैं, सेम उसी तरह से। इस तरह से इसे स्प्रेड करने के बाद दूसरे बिस्किट को कॉफ़ी में डिप करके इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। फिर से इस पेस्ट को हम स्प्रेड करेंगे और एक बिस्किट लेंगे और कॉफ़ी में डिप करेंगे और इसको कवर कर देंगे। इस तरह से इसे एक सैंडविच की तरह हम बना लेंगे। और ये मैंने ली है मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट। इस चॉकलेट में हम इस बिस्किट को डिप करेंगे और इस तरह से इस चॉकलेट से इसको कवर कर लेंगे। इसे हम सब तरफ से चॉकलेट से कोट कर लेंगे। इस चॉकलेट को डबल बॉयलर पर मेल्ट किया जाता है। इसे मेल्ट करने का तरीका आप मेरी चॉकलेट कैंडी वाली वीडियो में देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में दिख जाएगा। इस तरह से इस बिस्किट को चारों ओर से चॉकलेट से कवर करने के बाद इसे हम सिल्वर फॉइल पे निकाल लेंगे। सिल्वर फॉइल पर इसलिए निकाला जाता है ताकि ये नीचे से चिपके ना। इसी तरह से दूसरे चोको पाई को भी चॉकलेट से कवर करने के बाद उसे भी हम सिल्वर फॉइल पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे चोको पाई बना लेंगे। मैंने सारे चोको पाई बना लिए। इन्हें हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद इन्हें फ्रिज से बाहर निकालेंगे। अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इस कोन में भर लिया है। ये कोन मैंने बटर पेपर से बनाया है। इस तरह से इसे व्हाइट चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। देखिए ये चोको पाई हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। लीजिए, रेडी है हमारे यम्मी चोको पाई। एक चोको पाई मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अब हमें चोको पाई लेने के लिए मार्केट क्यों जाना, जब हम इन यम्मी चोको पाई को घर में ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी घर के ही सामान से। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।